बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही नायाब और बहुत ही बुलंद और बाला वजीफा है। ये वजीफा उन बहन भाइयों के लिए है या उन बहनों के लिए है जो मतलब कि जिनका गिला है कि उनके शोहर उनसे नफरत करते हैं, बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते और बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं। तो ये बहुत नया वजीफ़ा है और नफरत को मोहब्बत में बदलने वाला ये वजीफ़ा है। खुब के लिए भी ये वजीफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। खुब का मतलब मोहब्बत करने वाला या करने वाली, ठीक है। तो इसके लिए भी ये बहुत नया वजीफ़ा है। तो आपने क्या करना है कि इस वजीफे को पढ़ने से पहले या करने से पहले आपने अपने पास नमक या मिठाई रख ली है और उसके ऊपर पढ़कर आप फूंक मारोगे, ठीक है। उसके ऊपर पढ़कर आप फूंक मारोगे, दिल में उस शख्स का या उस बहन का भाई का जरूर अपने जेहन में रखोगे जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हो। और फिर आपने आखिर में दुआ मांगनी है जो आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला उल्फती से लेकर आपने या वदूद उदा कर आपने पढ़नी है। बहुत नायाब है, आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह जरूर आपको कामयाबी होगी। बहुत प्यारा, बहुत ही आला किस्म का ये वजीफा है। मोहब्बतों को उजागर करने वाला ये वजीफा है। गलत काम के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। गलत काम के लिए मैं कभी भी आपको इजाजत नहीं दूंगी क्योंकि फिर शरीयत का या अल्लाह पाक की नाराजगी का डर है। तो आप इसको गलत काम के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी अमल के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है या आपके साथ कोई और मसला है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी और मुकम्मल मदद की जाएगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आपको बहुत आसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।